एंड हेल्पनेस कैसी थी जो दया मांग रहे हैं और हेल्पनेस बेसहारा है दे साइलेंट प्रेयर एंड देर सैड आइज कुड इवन अ हार्ट ऑफ स्टोन कहता है उनकी जो बिना बोले जो वो प्रार्थना कर रहे थे और उनकी जो दुख भरी आंखें थी उसको देख कर की, मेल्ट होता पिघल जाए कौन स्टोन पत्थर भी बट जो कहते है शिकारी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ क्रूअल जालम हंटर शिकारी रिमेन्ड अनमूव्ड हिज आईज शोड नो ट्रेस ऑफ पिटी और काइंडनेस कहता उसकी आंखों में फिर भी कोई भी दया और तर्स नहीं आया। फॉरवर्ड टू सेव द एनिमल एंड बढ़ा और उन्होंने बंदी बना लिया कैद कर लिया जानवर हिरन और उसके बच्चों को भी एज रविदास लुक डेट दैम हिज हार्ट मेल्टेड इन पिटी संत रविदास का भी दिल पिघल गया सी बुरी हालत देख उनको भी उसके ऊपर तरस आया उन्होंने उसकी हेल्प करने की सोची ही फेल्ट इट इज ड्यूटी टू सेव द पुअर हेल्पनेस एनिमल फ्रॉम डेथ उन्होंने सोचा कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो पूरे एनिमल्स की हेल्प करे और उन्हें डेथ से बचाए ही वेंट अप टू हंटर एंड स्पोक लाइन लाइक दिस वो हंटर के पास गए और उन्होंने क्या बोला वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड ही इज अवर लविंग फादर इट इज द डिवाइन एसेंस दैट रन इन द ह्यूमन हार्ट एज लव कहता है उन्होंने बोला कि हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। वो हमारे फादर हैं। वो एक ऐसी शक्ति है जो सारी ही दुनिया को चला रही है इट इज द डिवाइन एसेंस असेंस दन इन द ह्यूमन हार्ट एज लव और जो ह्यूमन के दिलों में प्यार की भावना है वो भी कौन लाता है गॉड लाता it is the divine essence that fill, essence है इट इज द डिवाइन एसेंस दैट फील फीलेंस होता है क्वालिटी दैट फील द रोज विद फ्रेग्रेंस क्या वो ही पावर है जो कि खुशबू लाती है रोज में भी अगेन इट इज द डिवाइन एसेंस दैट फील द रेनबो विद ब्यूटी और जो रेनबो क्या होती है सतरंगी पिंग होती है ना उसको भी ब्यूटीफुल कौन बनाता है गॉड ही बनाता है वो गॉड के बारे में बताते हैं कि जो भी दुनिया में चीज बनी है किसने बनाई है वो गॉड ने इट इज द डिवाइन एसेंस दैट फिल्ड द बर्ड्स विद जॉय द एप्पल्स विद जूस एंड द वॉइस विद स्वीटनेस कहता है ये दैवी शक्ति ही है गॉड या जिन्होंने बर्ड्स को खुशी भरी है उनके अंदर एप्पल में जूस भरा है और वॉइस में मिठास बड़ी भरी है आवाज में देर फॉर वी शुड ने बनाई है तो हमारा भी हक बनता है कि जो भी जीव जंतु क्रिएचर है धरती पे उससे हम प्यार करें ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ आर सेक्यूर्ड स्केयर्ड मतलब सेक्यूर्ड मतलब पवित्र है जो भी लाइफ है पवित्र है इट इज द मैन मोस्ट केयर ड्यूटी टू ब्रिंग पीस टू अ ट्रेबल्ड हर्ट और ये आदमी की ड्यूटी है कि जो भी दुख है जो भी दुखी दिल है उसको शांति दे उसको खुशी दे। वी शुड नेवर कॉज पेन सफरिंग और डेथ टू एनी लिविंग बींग कहता हमें किसी भी दुनिया के किसी भी चीज को इंसान को जानवर को जीव को दुख नहीं देना चाहिए और डेथ मौत नहीं देनी चाहिए वी शुड लव ऑल थिंग हमें सभी चीजों से प्यार करना चाहिए ग्रेट और स्मॉल चाहे वो छोटी हैं चाहे बड़ी हैं। इवन अ टीनी इनसेट जी uh, कीड़े मकौड़े इंसेक्ट्स जो ग्रास में है इज अ सेट एज चाइल्ड वो भी उतने ही अच्छे हैं उतने ही पवित्र हैं जैसे कि आदमी के बच्चे और जो जैसे ही वो इन्होंने ये बातें हंटर से बोली ना वो पूरी तरह उनकी बातों से इम्प्रेस हो गया द हंटर लिसन टू द स्वीट वर्ड ऑफ द संत रविदास इन डीप रिस्पेक्ट द charm ऑफ द संत पर्सनैलिटी एंड हिज वर्ड्स ऑफ डीप विजडम वॉस्ड अवे ऑल इवल थॉट फ्रॉम द हंटर्स माइंड द हंटर फेल्ट एज होता है जादू क्या था उस संत रविदास की बातों ने सरमन ने उसके ऊपर ऐसा इफेक्ट किया कि वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया संत रविदास जी से और उनकी रिस्पेक्ट करने लगा वो उनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उनकी सियानप से इंटेलिजेंसी से उनकी बातों से उसके अंदर की सारी जो बुराई थी वो वॉश हो गई द हंटर ने ऐसे फेल किया कि जैसे उसके अंदर जादू कोई पावर आ गई हो जादू फैल फैला दिया हो संत रविदास जी ने उसके ऊपर अ मोमेंट्री कॉन्टेक्ट विद द ग्रेट संत हैड चेंज हिज कम्पलीटली थोड़ा सा भी उसके साथ मतलब थोड़ा टाइम के लिए वो संत रविदास जी के कॉन्टेक्ट में आया और पूरी तरह चेंज हो गया किलर हैड बिकम फील्ड विद लव फॉर गॉड एंड ऑल हिज क्रिएशन जो शिकारी था दूसरों को मारने वाला था उस, वो पूरी तरह से भर गया गॉड के प्यार से और उसके क्रिएशन से प्यार करने लगा द हंटर प्रोमिस टू लेट अ वर्चुअस लाइफ एंड नेवर टू कॉज हंट टू एवरी एनी वन हंटर ने प्रोमिस कि, किया वादा किया की कि वो आगे से अच्छी जिंदगी जिएगा किसी को भी नुकसान नहीं करेगा दुख हर्ट नहीं करेगा संत रविदास वॉज ऑलवेज वेरी हम्बल बहुत हम्बल थी हम्बल मतलब जो किसी तरह का जिसके अंदर घुमान नहीं होता है जो नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं उनको हम्बल बोलते निमाना ही रिलीजियस मैन ऑफ हिसाइम क्या था वो अपने टाइम के जो भी स्कॉलर में जो की समाज सुधारक होते हैं धार्मिक सुधारक होते हैं उनसे अलग थे boost. Boost ही नेवर बूस्ट बूस्ट होता शेखी मारना ऑफ हिस नॉलेज एंड विजडम उनके पास जो भी ज्ञान था उन्होंने उनकी कभी भी देखी नहीं मारी हिज डिवाइन नॉलेज केम एम ड्रेक्ट फ्रॉम विद इन हैड अ चार्मिंग पर्सनैलिटी उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो आकर्षित करने वाली थी लोग उनको देख के प्रभावित हो जाते थे स्पिरिचुअल मैसेज अपील्ड एवरी हार्ट और जो भी वो मैसेज संदेश देते थे लोग उनके बातों को ढंग से मान लेते थे पीपल लिसन टू हिम स्पेल बाउंड और सभी उनको ध्यान से सुनते थे ही स्पोक इन अंपल एंड क्लियर मैनर साधारण भाषा में साधारण मैनर में वो बात करते थे ही टोल्ड पीपल दैट ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड उन्होंने लोगों को बताया की सभी बराबर है गॉड की नजर में कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है दिस्टिंगशन जो भी कास्ट का, कलर का क्रीड का meaningless है क्योंकि गॉड इन्हें नहीं मानता और ये सभी किसके हैं आर मैन मेड आदमी उन्हें बनाए भगवान ने नहीं बनाया संत रविदास ब्रॉट संत रविदास ब्रॉट ग्रेट हो फॉर दोजर पुअर वीक एंड बैकवर्ड उनके लिए आवाज उठाई जो गरीब थे Weak थे पछड़े हुए थे He filled them with hope और उनके अंदर उन्होंने आज जगाई, हौसला पैदा किया और कॉन्फिडेंस पैदा किया ही इंस्पायर्ड them नॉट टू गो टू द अनजस्ट डिमांड ऑफ देयर हाई कास्ट पीपल उन्होंने प्रेरणा की कि, कि किसी के आगे झुके मत जो भी हाई कास्ट के लोग हैं अगर उनके ऊपर प्रेशर डालते उनको ना माने उनके आगे झुके ना ही इंस्पायर्ड them टू recognize recognize the strength of the spirit with them he asked them to throw all weak thought out of their mind he always said untouchability is a sin sin kya hote pap untouchability shuchat against humanity we can call sant ravidhas a forerunner of gandhi ji unhone prerna di logon ke andar taqat paida ki apni unhone bataya ki apni atma ki atma ki baat sune caste ko na mane ही बुरे विचार है उनको छोड़े और अच्छे विचार दिमाग में लाए और शूतशात उन्होंने बताया कि शूतशात क्या है पाप है मानवता के लिए और उनको उनकी ऐसी बातों की उनको माना जाता है कि वो गांधी जी के पद प्रदर्शक थे उनके रास्ते पे चलने वाले संत रविदास कंटिन्यू टू गाइड एंड रिफॉर्म द सोसाइटी ऑफ इस टाइम उन्होंने अपनी जिंदगी भर लोगों को गाइड करने का और उनके सोसाइटी में सुधार करने का काम किया इवन इन ओल्ड एज चाहे कि वो कहता चाहे कि वो बुजुर्ग हो चुके थे फिर भी उन्होंने अपना जो ज्ञान था उसको फैलाना नहीं छोड़ा फिर भी उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा ग्लो था ऑल हिज मेंटल फैकल्टीज एज एज एवर चाहे जिनकी भी उनका जो ज्ञान था उनकी उम्र के साथ स्ट्रांग होता गया हि स्पिरिट रिमेन अनटचचड बाय द एंड स्ट्रेस ऑफ द मटीरियल वर्ड और उनके उन्होंने कभी भी मटीरियल थिंग्स की तरफ ध्यान नहीं दिया और कोई भी चीज उनको इतना ज्यादा प्रभाव प्रभावित नहीं कर पाए हिज एंड वॉज पीसफुल उनका अंत समय भी पीस पीसफुल था शांतमय था वन ग्रेट सोल कहता है बहुत जो आत्मा थी पवित्र आत्मा थी ऑन दिस अर्थ बिकेम मिक्सड विद द इटरनल सोल और क्या होता है कि सभी परमात्मा में लीन हो जाते हैं एक बार मतलब मरने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है उसी तरह संत रविदास जी भी परमात्मा में लीन हो गए लास्ट में वन हैवनली लाइट ऑन द अर्थ बिकेम ब्लेंडेड विद द इमोरल लाइट और कहता है कहते हैं कि जो एक पवित्र ज्योत थी और वो इमोटल सॉरी जो पवित्र आत्मा थी वो परमात्मा में लीन हो गई ये तो था हमारा संत रविदास जी का लेसन रीड इट बेटा ओके बाय टेक केयर